नमस्कार, स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं लोकतंत्र और मैं हूं आपके साथ अनंत। भारतीय रेल भगवान भरोसे है, पहले प्रभु फेल हुए, पीयूष गोयल भी पास नहीं हो रहे, नहीं रेल यात्रियों को सुरक्षा मिल पा रही और न ही सुविधा, जान हथेली पर यात्रा करने को लोग मजबूर हैं। फॉग के नाम पर हजारों यात्री घंटों ट्रेनों का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन रेलवे अधिकारी टाइम पर टाइम बढ़ाते रहते हैं। रेलवे खराब मौसम का बहाना बनाकर अपना पीछा छुड़ाने में लगा है, लेकिन यात्रा कर रहे मुसाफिर कई घंटे लेट चलते होने के चलते ट्रेनों में रात गुजार रहे हैं। कई यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते रहते हैं। रेलवे की सुरक्षा किसके जिम्मे है वो भी नाकाम है। बढ़ती रेल घटनाओं के चलते यूपी सरकार एक रणनीति बना रही है, जिसके तहत पुलिस यूपी पुलिस भी जीआरपी की मदद करेगी। अब सवाल उठता है कि यूपी के पुलिस कैसे रेल यात्रियों को सुरक्षा दे पाएगी? क्या भारतीय रेल भगवान के भरोसे ही लगातार चलती रहेगी? देश में सरकार बदली लेकिन रेलवे की दशा नहीं बदली, मंत्री बदले लेकिन रेलवे के हालात नहीं। रेलवे जिस हालात में था उसी हालात में अब है। कितने ही रेल मंत्री आए लेकिन किसी ने यात्रियों की समस्या का समाधान नहीं लिया। मोदी सरकार के आते ही उम्मीद थी कि रेलवे की हालत सुधर जाएगी, लेकिन हालत और भी बदतर हो गई। पहले प्रभु के भरोसे रेल थी, अब पीयूष के भरोसे रेल है। हालत जस की तस। अभी कोहरे का कहर शुरू भी नहीं हुआ कि ट्रेन लेट होने लगी है, मुसाफिरों की मुश्किलें बढ़ने लगी है। 18 से 24 घंटे तक लोग ट्रेन में फंसे रहे। किसी को टाइम पर दफ्तर जाना था तो किसी को किसी प्रोग्राम में हिस्सा लेना था, सभी लेट हो गए। रेलवे अधिकारी चेयरमैन मौज करते रहे और यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती रहीं। मैं सुल्तानपुर जाना है, अच्छा, तो कुंभ सुपरफास्ट से जाना था, कुंभ सुपरफास्ट से जो है तो 4:45 घंटे लेट थी, तो जब टाइम हो जाता है, डबल टाइम हो जाता तब टाइम चेंज करते हैं। कोई ट्रेन नहीं है। अच्छा, आप इलाहाबाद? आप इलाहाबाद बजे से खड़े हैं? अभी 5 बजे खड़े हैं। सुविधा और सुरक्षा के नाम पर यात्रियों से पैसे ऐंठे जाते हैं, न तो सुरक्षा मिलती है और न ही सुविधा। आए दिन ट्रेनों में चोरी, डकैती या फिर छेड़छाड़ की घटनाएं अमूमन सामने आती हैं। जीआरपी के कामकाज पर भी सवाल उठाए जाते हैं। अब यूपी सरकार एक रणनीति बना रही है, जिसके बाद यूपी पुलिस जीआरपीएफ के साथ मिलकर काम करेगी। हमने अभी आदेश जारी किया है, सभी जनपद या उनके स्थान जहाँ पे टूरिस्ट, खासतौर पर विदेशी टूरिस्ट का ज़्यादा वहाँ जमावड़ा रहता है, वहाँ पे हम लोग टूरिस्ट पुलिस स्क्वाड्स तैनात करेंगे। वो ऐसे पुलिस अधिकारी होंगे जो अंग्रेजी का काम चलाओ ज्ञान हो जिनको, और यंग एनर्जेटिक हों। यूपी को अपराध मुक्त बनाने में नाकाम यूपी पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। जो प्रदेश पुलिस नहीं संभाल सकती, वो रेलवे की सुरक्षा कैसे संभालेगी? बेसिक दिक्कत है, वो दिक्कत है पुलिस की कार्यप्रणाली की। ठीक है, अगर सामान्य पुलिस सिविल पुलिस से इसके अंडर में कर दीजिए, पुलिस की कार्यप्रणाली तो सुधार नहीं होगी ना। जब तक पुलिस की कार्यप्रणाली नहीं सुधरेगी, इसको सम्मिलन करना, इसको दोनों को एक कर देना, दोनों को अलग अलग रखना, वो रहेगी तो पुलिस की व्यवस्था वही, जो बेसिक उसकी व्यवस्था है उसमें सुधार करने के प्रयास होना चाहिए, वो रास्ता है। तो मुझे लगता है यूनिटी ऑफ कमांड बढ़ेगा और हो सकता है अभी तो रिपोर्ट आने के बाद देखा जाएगा क्या क्या संस्तुतियाँ आती हैं, लेकिन प्रथम दृष्टया मुझे लगता है कि यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है एक दक्ष प्रशासन की एक महत्वपूर्ण शर्त होती है। और अगर दोनों को एक एसपी के अधीन कर दिया जाए, चूंकि दोनों की सेवा शर्तें तो एक ही है, उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती कांस्टेबल होते हैं, डिप्टेशन वहाँ जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे एक प्रभावी पुलिसिंग के लिए रास्ता प्रशस्त हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। रेलवे पुलिस की विंग जीआरपी हमेशा अपने कारनामों से चर्चा में रहती है। कभी स्टेशन पर भीड़ के वक्त यात्रियों से अभद्रता में, तो कभी ट्रेन के भीतर वसूली करते। इन सभी मामलों को देखते हुए यूपी सरकार अब जनपदीय पुलिस के साथ संविलियन का बड़ा फैसला लेने जा रही है। रेलवे न तो सुरक्षा दे पा रही है और न ही सुविधा। जीआरपीएफ की सुरक्षा पर भी सवाल उठते रहते हैं। न तो रेलवे हादसे रोक पाती है और न ही स्वच्छ खाना दे पाती है और न ही सुरक्षा दे पाती है। आखिर कब तक भगवान भरोसे रेलवे को छोड़ा जाए? कब तक मौसम का बहाना बनाकर, मानवीय भूल बताकर रेलवे जनता के साथ खिलवाड़ करती रहेगी? विक्रम मिश्रा, एपीएन लखनऊ। तो रेलवे की कार्यप्रणाली को लेकर और जिस तरीके से रेल लगातार लेट हो रही हैं, कोहरा शुरू होने से पहले ही, तो ऐसे में यात्रियों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, और साथ ही साथ रेलवे में सुरक्षा के जो हालात हैं
और अब उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलकर रेलवे की सुरक्षा को पुख्ता करने की बात कही जा रही है, लेकिन खुद उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी सवाल निशान पहले से ही उठ रहे हैं। तो क्या ऐसे में सुरक्षा मजबूत हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, और हो पाएगी तो क्या इसकी गारंटी दी जा सकती है, इन्हीं तमाम सवालों को लेकर चर्चा है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। हमारे साथ दीपक सिंह हैं, आप एमएलसी हैं कांग्रेस से, राजपाल कश्यप हमारे साथ हैं एमएलसी हैं समाजवादी पार्टी से, श्रीधर पाठक हमारे साथ हैं रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं, अतुल चंद्रा हैं वरिष्ठ पत्रकार, और डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ हैं प्रवक्ता हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत सभी लोगों का। डॉक्टर चंद्रमोहन सर, रेल बजट को आम बजट में शामिल भी कर दिया गया, सुविधा शुल्क भी वसूलने लगे हैं, ट्रेन अब किराया महंगा भी हो गया, उसके बावजूद भी सुविधाएं मिलनी लोगों को, सर शुरू कब होंगी? इसमें सुविधाओं को जैसा रेल की स्थिति थी, रेल की स्थिति में बुनियादी ढांचे में लगातार परिवर्तन करते हुए और लगातार सुधार के उपाय किए गए और सुधार किया जा रहा है जी। और इसके बारे में जो जो विशेषज्ञ हैं उनकी अगर आप जानकारी लेंगे तो आपको बुनियादी सुधार देखेगा। आज रेलवे में स्वच्छता भी मिलेगी और एक उपभोक्ता के रूप में रेल यात्रियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था बनाने का प्रयास किया गया है और बेहतर व्यवस्था दी जा रही है। सर क्या इतना विश्वास देने के लिए हम लोग सक्षम हुए हैं पिछले 3.5 साल में कि यात्री अगर ट्रेन में बैठते हैं तो अपने गंतव्य तक सुरक्षित पहुंच जाएंगे, ये विश्वास उसके मन में रहे? नहीं, पूरी तरीके से हम ये विश्वास दिलाने में कामयाब हुए हैं और हम विश्वास दिला रहे हैं और लगातार उसमें सुधार हो रहा है, क्योंकि भारत की रेल कोई नई है और एक बड़ा ढांचा, एक विशेष ढांचा है रेलवे का जी। तो एक बड़े ढांचे में सुधार में जो समय लगता है वो समय जरूर लगा है, लेकिन हमने जिस तरीके से बिना उपभोक्ताओं पर यात्रियों पर जोर दिए हुए, उनको दबाव डाले हुए और बेहतरी की ओर हम लगातार आगे बढ़े हैं जी। ठीक है, दीपक सिंह हमारे साथ हैं, राजपाल कश्यप हमारे साथ हैं। सर आप दोनों का रिएक्शन में जाना चाहूंगा। दीपक जी शुरुआत आपसे कि कानपुर हादसा, खतौली हादसा, मुजफ्फरनगर हादसा, ये तमाम चीजें हमारे सामने हैं, उसके बावजूद भी डॉक्टर चंद्रमोहन के इस दावे पर हम यकीन कर सकते हैं क्या कि रेलवे की सुरक्षा जो यात्रा है बेहद सुरक्षित यात्रा है? देखिए अनंत जी, मैं जब से देख रहा हूं, जब से सरकारें बदली हैं, अगर देखें तो जो रेलवे के हालात हैं बद से बदतर हुए, चाहे आर्थिक रूप से ले लें चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से देख लें। सरकारें व्यवस्था के नाम पर, सुधार के नाम पर, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे दिल्ली की सरकार हो, डिस्को डांस मात्र करती है, व्यवस्था सुधार की बात करती है, काम की उम्मीद करना अब मुझे लगता नहीं कोई संभव हो पाता हो। दूसरी बात, आपने जीआरपी के सुरक्षा के दृष्टिकोण से जीआरपी के मर्जर की बात की है, जीआरपी को उत्तर प्रदेश पुलिस में करने की बात कही है, तो पहले से जीआरपी के जो लोग हैं वही तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग हैं और उसको कंट्रोल भी उत्तर प्रदेश सरकार ही करती है, ये कोई नई बात नहीं है। ये जो डिस्को डांस करते हैं सुधार के नाम पर, सिर्फ उत्तर प्रदेश और देश के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, चूंकि आज हालात ऐसे बन गए हैं, सोशल मीडिया पर लोगों के जुबान पर एक ऐसी चर्चाएं होती रहती हैं कि हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे जी। देखिए आनंद जी, बात यह होनी चाहिए, सुधार की बात नहीं होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। आप देखते हैं चोरी कैसे रुके, इस पे चर्चा होनी चाहिए, इस पे काम होना चाहिए जी। FIR आप देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं मोबाइल यूज करते हैं, छिन जाती है, वहां पर काउंटर पे आधे आधे घंटे खड़े रहते हैं, या तो ट्रेन छोड़ें या तो FIR लिखवाएं, तो लोग मजबूरन ट्रेन पकड़ते हैं क्योंकि उनको गंतव्य तक पहुंचना होता है। सरकारें इस पे अमल सरकार नहीं कर रही है जी। तो लगता है कि सरकार जो भटकाना चाहती है लोगों का ध्यान भटकाना चाहती है मुद्दों से, ये कोई बात नहीं होती है। दीपक सिंह मैं लौटूंगा आपके पास, राजपाल कश्यप आपका रिएक्शन क्या है मौजूदा कार्यप्रणाली को लेकर, मौजूदा व्यवस्था, मौजूदा हालात को लेकर रेलवे की? देखिए रेलवे लोगों को बड़ी उम्मीदें थी और बड़ी उम्मीद के साथ में इनकी बहुत बड़ी बहुमत के साथ में सरकार बनाई जी। खासतौर से यूपी ने तो बहुत प्रचंड बहुमत दिया, लेकिन ये सभी मोर्चों पे फेल है। और रेलवे में तो कोई दुर्घटना हो जाए, लेकिन लापरवाही से लगातार दुर्घटनाएं हो रही। आप देखिए तो जितनी भी दुर्घटनाएं हुई, चाहे मुजफ्फरनगर की हुई हो चाहे कानपुर की हुई, बेहद लापरवाही से हुई है जी। और ये सरकार केवल नारों की सरकार है, इन्होंने केवल नारे दिए, लोगों को गुमराह किया, काम नहीं किया, ये धरातल पे काम करना भी नहीं चाहते, कहीं डिपार्टमेंट को कहीं मर्ज करना, कहीं कुछ करना, इनको तो स्पेशल रेलवे के लिए फोर्स वो करना चाहिए था अरेंजमेंट, क्योंकि एक्सपर्ट होते। और ये केवल
लोगों की इधर से उधर घुमा के लोगों को अपनी बातों में उलझाना चाहते हैं। जिस तरीके से जितनी भी योजनाएं इनकी रही देश की सरकार की, देश में तो सरकार यहाँ तो एक बरस हुआ यूपी में, लेकिन वहाँ तो सर रेलवे के बारे, राजपाल कश्यप, रेलवे के बारे में डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा है कि पिछले 3.5 सालों में हम लोगों ने बेहतर काम किया है, जो ट्रैक्स बदले जाने थे उनको बदलने का काम हो रहा है। तो क्या उस जिस रफ्तार से काम हो रहा है उससे संतुष्ट हैं आप? ठीक है, कोई रफ्तार से काम नहीं हो रहा, न कहीं रेलवे ट्रैक बदले जा रहे, केवल आंकड़ों में बदले जा रहे, इनके भाषणों में बदले जा रहे, सब काम इनका भाषण में हो रहा है। 15 लाख रुपए भी भाषण में आ गए, सबका कर्जा भी माफ हो गया और सबको रोजगार भी मिल गया। अभी योगी जी गए हिमाचल में तो कहा 6 महीने में 6 लाख लोगों को रोजगार दे दिया, वो 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक वर्ष रोजगार दे रहे हैं। अभी 30 लाख लोगों को इन्होंने प्रशिक्षित किया, उसमें 10 लाख लोग 10% लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाए जिनको प्रशिक्षण वाले बैठे हैं। रोजगार की बातें भी सर आप कीजिएगा, खैर वो किसी और बहस के लिए बचा के रखते हैं हम लोग। अभी फिलहाल सर रेलवे की हम लोग बात करेंगे, व्यवस्था की बात करेंगे, रेलवे सुरक्षा की बात करेंगे। मैं लौटूंगा सर आपके पास, राजपाल कश्यप की बात आप रखिएगा सर, मैं लौटूंगा आपके पास। सक्षम में वक्त आपको वापस मिलेगा, मिलेगा सर राजपाल कश्यप, वक्त मिलेगा सर आपको वापस, मैं आपके पास आऊंगा। श्रीधर पाठक हमारे साथ रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है। सर व्यवस्था में कमी कहाँ रहती है? अगर हम बजट बढ़ाने की बात करते हैं, ये कहते हैं अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं कि रेलवे में सुधार होना चाहिए, ये बात जानते हैं, उसके लिए परिवर्तन करने की बात भी की जाती है, लेकिन परिवर्तन होता नहीं है, इस बारे में फिर कारण कहां बीच में रख देखा जाए? कारण बहुत साफ है जी, जब 2 ट्रेनें लड़ती हैं अथवा एक ट्रेन के ऊपर ब्लॉक के भैंसे की तरह से दूसरी ट्रेन चढ़ जाती है तो ये उत्तरदायित्व तो ड्राइवर पर डाला जाता है अथवा सिग्नल मैन पर। होना ये चाहिए कि DRM को फौरन डिसमिस कर दिया जाए और संबंधित रेलवे बोर्ड के अधिकारी को भी डिसमिस कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। जितने भी एक्सीडेंट होते हैं उसमें 100-150 आदमी मर जाते हैं, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि 4 DRM भी उसमें थे वो भी मर गए। कोई DRM नहीं मरता है, कोई सीनियर तो बेहतर बात है कि जितना कम कैजुअलिटीज हो, कैजुअलिटी जितनी कम हो उतना बेहतर है सर, ये तो ठीक बात है। नहीं नहीं ये बिल्कुल बेकार की बात है कि रेल में आदमी इसलिए टिकट लेकर नहीं बैठता है कि कम कैजुअलिटी 25 आदमी की हो उसमें उसका नाम 24वां हो। DRM साहब मरे तो सामान्य व्यक्ति भी मरेगा, इस बात को रेलवे को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। रेलवे ने इस बात को कभी नहीं समझा। इतना ही नहीं, रेलवे ने क्रिमिनल एक्शन लिया और वो क्रिमिनलिटी ये थी कि कभी भी किसी भी एक्सीडेंट में जिसमें कुछ लोग मर गए हैं उनमें मामले में ये एक मुकदमा कायम करें, कभी भी ये मुकदमा नहीं कायम हुआ। अब ये 2-3 मुकदमे प्रभु जी ने कायम करवाए थे, इसकी विवेचना कौन कर रहा है? जीआरपी के पास इस तरह की विवेचना करने का कोई विशेषज्ञता नहीं है और जीआरपी इस मामले के लिए बिल्कुल बेकार है। इसकी विवेचना केवल CBI कर सकती है, CBI के अलावा कोई दूसरी एजेंसी नहीं कर जीआरपी के पास, क्योंकि ट्रेन चलती विशेषज्ञता तो नहीं है, लेकिन क्या संसाधन है जीआरपी के पास वैसे जांच करने के? जांच करने की न क्षमता है न संसाधन है। ये संसाधन इंडिया में केवल CBI के पास है। ट्रेन चलती है कलकत्ता से, जा रही है पठानकोट, इस दौरान 7-8 तो DRM है और 2-3 रेलवे जोनल मैनेजर हैं। किसके ऊपर कौन उत्तरदायित्व निर्धारित? जीआरपी के बस का है DRM के खिलाफ लिखा है? ये संभव नहीं है। तो इसलिए रेलवे को अपने उत्तरदायित्व को ठीक है। श्रीधर पाठक जी मैं लौटूंगा आपके पास। अजय शुक्ला हमारे साथ है, मेंबर है ट्रैफिक रेलवे बोर्ड के। शुक्ला जी स्वागत है आपका। सिर्फ छोटा सा सवाल है सर, लेकिन इसका जो परिणाम है बहुत गंभीर बैठ रहे हैं कि सरकार की प्रतिबद्धता के बावजूद व्यवस्थाएं सुधर क्यों नहीं पा रही हैं? हर बार बजट का हवाला दिया जाता है, मैन पावर कम होने का हवाला दिया जाता है, क्या यही ट्रेंड हम फॉलो करते रहेंगे सर? नहीं देखिए, पहली बात तो ये है कि व्यवस्था ना ज्यादा खराब हुई है ना बहुत इंप्रूव हुई है, जैसा कि हमारे और एक ढर्रे पर चलती आ रही है सर, ये कहा जाए? जिस ढर्रे पे चल रही है उसी ढर्रे पे चल रही है। जैसा कि मैंने पहले भी एक परिचर्चा में कहा था, जब तक हम रेलवे प्रशासन में जो सुरक्षा है या पंक्चुअलिटी है उसको टॉप प्रायोरिटी नहीं देंगे तब तक व्यवस्था ऐसी चलती रहेगी। अभी भी हमारा सारा ध्यान जो है वो इनॉग्रेशन की तरफ, दिखावे की तरफ और कॉस्मेटिक चीजों की तरफ है कि हमने, और वो कॉस्मेटिक भी हमारे अपने बनाए हुए कॉस्मेटिक्स नहीं है। हम लोग विदेश से जो है कोचेस ले लेते हैं और उसका इनॉग्रेशन कर देते हैं।
या जैसे अभी इस बीच में हुआ कि हाँ हम मेड इन इंडिया कुछ नहीं होता है, कुर्सियां लगा दी, सिर्फ हम इम्पोर्ट करते हैं और उद्घाटन करते इंडिया भी नहीं है। अच्छा। और उसकी आवश्यकता भी नहीं है, जो मूलभूत चीज है, ग्राउंड रियलिटी है। हाँ। जब तक उसको हम लोग एड्रेस नहीं करेंगे और दिखावे से हम दूर नहीं होंगे, सिचुएशन इम्प्रूव नहीं करेगी। जहां तक आपने कहा कि जो है पोस्ट की जो है भरा नहीं जा रहा है, आदमियों की कमी है, ये बिल्कुल गलत बात है। रेलवे ऑलरेडी ग्रॉसली ओवर स्टाफ्ड है, इनफैक्ट नहीं सर, ये आंकड़ा है कि 2016 का सर, ये आंकड़ा है कि रेलवे में सुरक्षा के कामकाज देखने वाले कर्मचारियों में 1,27,000 पद खाली हैं। नहीं नहीं, वो पद की जब आवश्यकता ही नहीं है तो उनको तो खाली रखना, उनको तो खत्म कर देना है। पद सर खत्म हो जाने चाहिए ना, अगर पद रहेंगे तो ये तो गिना जाएगा कि खाली, बिल्कुल खत्म। हाँ, और क्या, वही चीज हो रही है कि जब सारा मेंटेनेंस हमारा मैकेनाइज्ड हो गया है, हमारे जो कोचेज हैं वो मेंटेनेंस फ्री हैं, हमारे इंजन अब मेंटेनेंस फ्री हैं। इस तरह से आप देखिए, पुरानी कारें होती थी, उनका रोज कुछ ना कुछ मेंटेनेंस का आवश्यकता होती थी। आज आप कार को जो है साल में एक बार जाते हैं कुछ घंटे के लिए, जो है थोड़ा सा वो चेकअप करके वापस कर देता है। उसी तरह की हमारी जो है इक्विपमेंट्स हैं, इनकी इतनी मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है। उनमें ज्यादा मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, बिल्कुल मेंटेनेंस की जो है इस तरह से हो गया है कि एक्स्ट्रा मैन पावर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट अजय शुक्ला, मैं लौटूंगा आपके पास, यहीं पे मैं छोटा सवाल लेकर डॉक्टर चंद्रमोहन से। सर, आपने कहा था कि स्थिति बेहतर हो रही है, अजय शुक्ला है मेंबर है ट्रैफिक रेलवे बोर्ड को, कह रहे हैं कि जिस ढर्रे पर थे उसी ढर्रे पर चल रहे हैं हम लोग। सर, उद्घाटन करने की जो कैपेसिटी है वो जरूर हमारी लगातार बढ़ती जा रही है, उद्घाटन हम बेहतर कर रहे हैं चीजें इम्पोर्ट करके। नहीं नहीं, केवल इतना नहीं है, पटरियों को भी खरीदा जा रहा है। हाँ। और सुविधाओं को लगातार 3,000 एक्सलेटर लगाए जा रहे हैं। हाँ। रेलवे बोर्ड के पुनर्गठन की भी बात हो रही है। हाँ। तो ऐसा नहीं है, इनका अजय शुक्ला जी का होगा। हाँ। जो भी आकलन होगा जी। लेकिन एक सामान्य यात्री के रूप में भी अगर आप अजय शुक्ला तो सिस्टम के इस वक्त सिस्टम के अंदर है। मैं जो पैनल में लोग हैं उससे बेहतर वो रेलवे के बारे में जानते हैं। ये तो वही, ये वो किस सिस्टम के अंदर है ये तो वही जाने। नहीं नहीं, मैं सिस्टम के अंदर नहीं हूँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ। ये रिटायर हो चुके हैं, दो साल पहले रिटायर हो चुके हैं जी। तो दो साल पहले और आज की स्थिति में एक बुनियादी अंतर, रेल की जवाबदेही बढ़ी है। आज रेल की जो आइडेंटिटी थी, एक खराब स्टेशन की जो आइडेंटिटी थी, उससे रेल को बाहर निकाला है। रेल में सर जवाबदेही सुधार, जवाबदेही सर किस संदर्भ बढ़ी है, इसमें दो चीजें हैं सर। मुझे सर एक छोटा सा दो चीजें, छोटा सा मेरा सवाल है सर, अपनी बात पूरी कर लीजिए। एक मिनट में अनंत जी एक मिनट में लूंगा आपकी। देखिए, जीआरपी एक व्यवस्था है, आरपीएफ दूसरी व्यवस्था है। दोनों सुरक्षा के विषय पर दोनों अलग अलग काम करते हैं। जीआरपी की अलग है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जीआरपी है, आरपीएफ एक अलग बल है, दोनों अलग अलग है। और मुझे लगता है जब आज ये चर्चा का सुन लीजिए आप बात पूरी, चर्चा के जब आप जा रहे थे और चर्चा के लिए जो आमंत्रित किया था, तो आपने जीआरपी के विलय के संदर्भ में चर्चा रखी थी। हाँ, नहीं वो भी ऐसा रेलवे का पूरा रेलवे बोर्ड के रेलवे की व्यवस्था का, नहीं नहीं रेलवे की सुरक्षा को लेकर से चर्चा है जी। अनंत जी मेरे को जब आपने चर्चा में बुलाया तो बृहत रेलवे के चर्चा के संदर्भ में नहीं बुलाया, रेलवे की समीक्षा के बारे में नहीं बुलाया कि हम रेल पर चर्चा कर रहे हैं। आपने जीआरपी के संदर्भ में चर्चा के लिए बुलाया था, आमंत्रित किया था। मैं आपसे आग्रह ये कर रहा हूँ कि जीआरपी अलग है, आरपीएफ अलग है जी। और रेल की स्थिति अलग है। हाँ। तीनों चीजें अलग अलग है, तीनों पर चर्चा अलग अलग हो सकती है जी। ठीक है, मैं सर इस बारे में था, इस बारे में शंका मैं आप दूर करूंगा डॉक्टर चंद्रमोहन, और जो विषय आप कह रहे हैं सर मैं उसी विषय पर आपसे सवाल पूछूंगा, इसमें कोई अलग बात नहीं है। इस वक्त आर के राणा हमारे साथ हैं, पीआरओ हैं रेलवे से। राणा साहब, अलग तो आप डॉक्टर इस बात को एक मानो चाहे जिसको अलग मानो जी। चलिए ठीक है सर, जो आप बात कर रहे हैं सुरक्षा के बारे में ही, सुरक्षा के बारे में मुझे बताइए, जब आप उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर लगातार ये आरोप लगते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कानून व्यवस्था को काबू में नहीं कर पा रही है, जो अपराध का ग्राफ है, जो शुरुआत का ट्रांजिशन पीरियड था जिस वक्त सरकार आई थी उस वक्त बढ़ा था, बीच में कुछ घटा लेकिन फिर बढ़ना शुरू हो गया था, अब ऐसी स्थिति में सर क्या उनको रेलवे सुरक्षा की जिम्मेदारी दिया जाना यात्रियों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा? बिल्कुल, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं आनंद जी जी, एक तो कोई भी ऐसा प्रस्ताव अभी फाइनल नहीं हुआ है कि जीआरपी को
सिविल पुलिस में ब्लैक किया जा रहा है, जिला पुलिस में ब्लैक किया जा रहा है, ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं। जी ऐसी कोई अधिकृत बयान कहीं पर भी नहीं आया है जीआरपी के ब्लैक के संदर्भ में। जी एक जीआरपी के लिए, क्योंकि जीआरपी आज की नहीं है, जीआरपी बहुत पुराना बल है। जी 5000 के आसपास इसमें लोग हैं, 5000 लोग के जिम्मेदारी पर है ये, और ये पुराना है बहुत, और इस पर इसमें सुधार की गुंजाइश क्या क्या हो सकती है, सुधार के संदर्भ में चर्चा हुई, उस पर प्रेजेंटेशन हुआ। सवाल आगे के लिए जीआरपी को लेकर नहीं है, सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश पुलिस को वहां पर विलय किया जाता है, तो यहां पर सवाल से उत्तर प्रदेश पुलिस के ऊपर उठ रहे हैं। मैं जीआरपी बताऊंगा, नहीं सर, आप उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में, जीआरपी के बारे में पूछा है सर, जीआरपी के विलय के बारे में ही पूछा है, लेकिन शक जो लोगों को है सर, वो जीआरपी के ऊपर शक नहीं है, क्षमता के ऊपर शक सर, पुलिस व्यवस्था के ऊपर है। उत्तर प्रदेश में किसी के प्लॉट पर कब्जा हो रहा है, आप लाके दिखाओ। जी आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी के प्लॉट पर कब्जा हो रहा है तो आप मुझे बताओ सर, उत्तर प्रदेश में गैंगरेप की हत्या हो रही है, बताओ दिन दहाड़े सड़क पर, उत्तर प्रदेश में सर हाईवे के किनारे रेप, और वो भी वहां पर जहां पर पुलिस की पेट्रोलिंग होती है, बीच बाजार एक घंटे तक सर चर्चा कीजिए, बीच बाजार छीना झपटी, चोरी, मर्डर, ये तमाम घटनाएं हो रही है सर। श्रीधर पाठक जी, अब आपके पास मैं आऊंगा इस चीज को लेकर कि जब एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्य क्षमता के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, विपक्षी दल भी लगातार उठा रहे हैं, और अपराध की घटनाएं भी हम लोग देख रहे हैं, ऐसे में क्या इस प्रस्ताव को सामने रखा जाना सही माना जाए? नहीं, ये प्रस्ताव मूल रूप में मुझे तो नहीं लगता कि कभी सरकार इसको मानेगी, और ये उत्तर प्रदेश सरकार के बस का नहीं है। जी ये जीआरपी की आधी तनख्वाह रेलवे देती है और आधी देती है उत्तर प्रदेश सरकार, ये बड़ी पुरानी व्यवस्था है। जी इसका मैनुअल अलग है, इसका एक्ट अलग है, और इसको इस तरह से अचानक न तो एक साल में किया जा सकता है न दो साल में किया जा सकता है, इसकी प्रक्रिया बहुत अधिक लंबी है, और इसको इस तरह से जिस तरह से आप बता रहे हैं ऐसा ये हो ही नहीं सकता है। और जीआरपी का जो काम है वो एक खास किस्म की विशेषज्ञता चाहता है, वो काम सिविल पुलिस के पास नहीं रहता, लेकिन वही सिविल पुलिस के लोग जब जीआरपी में जाते हैं और ट्रेनिंग पाते हैं अथवा उनके साथी लोग ट्रेनिंग देते रहते हैं तो धीरे धीरे वो उन चीजों के लिए ट्रेंड हो जाते हैं। असली गड़बड़ी ये नहीं है, असली गड़बड़ी ये है कि 82, 83, 84 में श्री जी एन चतुर्वेदी साहब DGIG हुआ करते थे रेलवेज के, जी। और उसके बाद से आज तक कभी भी रेलवे को न तो सिपाही बढ़े, न थाने बढ़े, न उनके अफसर बढ़े। तो आप ये सोचिए कि इस समय उत्तर प्रदेश में जो जीआरपी काम कर रही है ये 1984 की क्षमता के आधार पर 2017 में काम कर रही है। तो जब तक ये अपना स्टाफ नहीं बढ़ाते हैं, जीआरपी प्लेटफॉर्म बढ़ गए, वहां एक भी सिपाही नहीं। जी आगरा में 80 सिपाही मंजूर हैं जीआरपी थाने पर, और केवल एक शौचालय है। अगर पिछले 4-6 महीने में कोई बन गया हो स्वच्छ भारत अभियान में तो बात दूसरी है, तो वो शौचालय करते कहाँ हैं? वो ट्रेन में बैठ जाते हैं, ग्वालियर तक शौचालय में अपना बैठे रहते हैं, फिर लौट आते हैं, आगे और भी काम होगा, जैसे दुनिया चल रही है वैसे आगरा का जीआरपी रेलवे स्टेशन भी चल रहा है। तो अगर इसी तरह से रेलवे को चलाना है और रेलवे स्टेशन चलाने हैं, जीआरपी को चलाना है, तब अब क्या कहा जाए, भगवान तो सभी जगह विद्यमान है। जी डॉक्टर चंद्रमोहन सर जवाब देंगे इस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जीआरपी में जो अभी श्रीधर पाठक जी ने जो विषय रखा जीआरपी के संदर्भ में, इन समस्याओं के संदर्भ में रखा, उन समस्याओं के समाधान के लिए ही चर्चा प्रारंभ हुई है। जी और जीआरपी के ऑफिसर आंतरिक रूप से उसका आकलन करके सरकार को रिपोर्ट करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जब भी कोई ऐसा विषय आए, आप इस विषय पर जब हम चर्चा कर रहे हैं तो वीके मौर्या जी जो आज जिनके पास जिम्मेदारी है रेलवे की, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए था जी। और उनका पक्ष भी आता कि भाई एक रेलवे के जो जीआरपी के जो अधिकारी हैं वो क्या मानते हैं, वो विलय के समर्थन में है, विलय के में है, क्या स्थितियां हैं जी। हमारी जो जानकारी है उसके हिसाब से एक जीआरपी को एक व्यवस्थित करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए और एक प्रभावी बनाने के लिए, एक रिफॉर्म्स के लिए एक कमेटी का गठन हुआ है, एक चर्चा प्रारंभ हुई है, उसकी जो सिफारिशें आएंगी सरकार उनको उन पर कमेटी का स्वरूप क्या है सर, मैं जरूर आपसे जानूंगा। इस वक्त आरके राणा हम तो जुड़ चुके हैं, पीआरओ हैं रेलवे के, आरके राणा साहब स्वागत चर्चा के दौरान आपका। मैं जानना चाहूंगा सर, अभी तो कोहरे का मौसम सर शुरू नहीं हुआ, उसके बावजूद ट्रेन 20-20 घंटा 24-24 घंटा लेट होनी शुरू हो गई है, ऐसा क्यों सर? ये क्योंकि उत्तर भारत में जो है फॉग के कारण जो है कोहरे की वजह से काफी गाड़ियां लेट हो रही है जी।
आज की स्थिति में हमारी जो है 7 गाड़ियां कैंसिल हुई हैं और 35 गाड़ियों को हमने रीशेड्यूल किया है और 64 गाड़ियां जो है लेट आ रही है। जी ठीक है, लेकिन जब इसके चलते सर यात्री को 24 घंटे रेलवे स्टेशन पर वेट करना पड़ता है, तो क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है रेलवे की तरफ से? नहीं, यात्रियों को हम जो है आग्रह किया है कि वो अपना घर से निकलते पहले जो है 139 और SMS के थ्रू जो है रेलगाड़ी की पोजीशन लेकर ही घर से प्रस्थान करे। सर वहाँ की स्थिति में जी वहाँ पर सर सवाल वो ये समस्या ये रहती है कि सर्विस बहुत ज्यादा डाउन रहते हैं, 139 पे कॉल किया जाए तो कहीं मतलब 15-20 मिनट तक लाइन लगातार बिजी रहती है। जी नहीं, लेकिन देखिए हमारा जो पोजीशन है 139 और SMS के थ्रू जो है कोने की पोजीशन जो अपने नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से आप जो है सूचना प्राप्त कर सकते हैं। जी ठीक है, सुरक्षा के लिहाज में सर क्या कहना चाहेंगे? रेलवे में सुरक्षा भी लगातार गड़बड़ाती जा रही है। जी, इसके लिए हमारा जो RTF और GRP जो है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस जो स्टेट गवर्नमेंट के अधीन है जी वो कार्य करती है इसमें। जी और एक और सवाल जो हमने सर लोगों के बीच में जो सर्वे किया था, जो यात्री इस चीज से जो जूझे हैं सिचुएशन से कि जो ट्रेन के अंदर यात्री फंसे होते हैं ट्रेन के लेट होने पर, उनके लिए क्या इंतजाम किए जाते हैं सर रेलवे की तरफ से? उसके लिए रेलवे स्टेशनों पर हमने जो हीटर की व्यवस्था की हुई है, खाने पीने की व्यवस्था की हुई है, जो व्यवस्था जो है हमारी 24 घंटे सभी स्टेशनों पर उपलब्ध है। जी लेकिन सर खाने की सुरक्षा, खाने की गुणवत्ता पर लेकर तो सवाल उठते रहते हैं आपके, कभी खाना खराब मिलता है तो कहीं मरे उसमें कीड़े मकोड़े मिलते हैं कई दफा। उसकी जो है खाने की शिकायत जो है यात्रीगण अपना जो है स्टेशन मास्टर के पास कंप्लेंट बुक में कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से, या जो भी खाने की अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो उसके शिकायत के रूप में यात्रीगण जो है शिकायत कर सकते हैं, उस पर रेलवे जो है तुरंत एक्शन लेती है। जी चलिए शुक्रिया सर आपका हम तक जुड़ने के लिए, उस बारे में जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक और सवाल जो रेलवे की सुरक्षा को लेकर लगातार जुड़ा हुआ है, दीपक सिंह हमारे साथ हैं, राजपाल कश्यप हमारे साथ हैं। राजपाल कश्यप जी आपके पास में आऊंगा कि श्रीधर पाठक जी बताते हैं कि 33 साल पुराने जो ढांचा था उसी के हिसाब से अभी तक भर्तियां रही हैं, उसी के हिसाब से चल रही हैं, तो क्या आपकी सरकार में सर ये सुध नहीं रही कि 5 साल आप लोग रहे प्रदेश में तो कम से कम इस बारे में कोई ध्यान दिया जाए? देखिए अनंत जी, लगातार काम करने की जरूरत है। हमने पुलिसिंग पे जितना काम किया और पुलिस की छवि से लेकर टेक्नोलॉजी से जोड़ने से लेकर संसाधन देने से लेकर और भर्ती करने से लेकर जितना किया आजादी से लेकर अभी तक थानों में गाड़ी नहीं थी। जिस तरीके की बात श्रीधर जी ने की कि टॉयलेट करने के लिए सिपाहियों के लिए JRP में रेलवे में व्यवस्था नहीं, वो ट्रेन के डिब्बे में जाते हैं। हम लोगों ने तो गाड़ियां उपलब्ध कराई 100 नंबर और अमेरिका की गाड़ी में 100 नंबर और जब सिपाही जाकर नहीं, वो तो हमने टॉयलेट भी बनवाए थानों में और थाने में बेहतर। श्रीधर पाठक जी ने आपके सामने कहा कि 82-84 के बाद कोई रिफॉर्म नहीं आया भर्ती को लेकर, उस वक्त के आंकलन के हिसाब से भर्ती लगातार की जाती है, अगर आपके पास संख्या बल ही कम है, सही कहा है, साल पुराना है, तो कैसे सर यात्रियों को सुरक्षा देंगे? बता रहे कि लगातार काम करने की जरूरत है और पुलिस की छवि ठीक करने के लिए जिस तरीके से ये BJP के लोग आरोप लगाते थे कि थाना सरकार चलाती है, समाजवादी सरकार चला रही, कुछ लोग जात के लोग चला रहे, अब कौन थाना चला रहा और सरकार? अरे सर 5 साल में कुछ रिफॉर्म हुआ बताइए, उसके बाद चलूंगा तो चंद्रा जी के पास में। केवल बूट बोट लूटने के लिए सर 5 साल में आपने कुछ किया था? राजपाल कश्यप जी हरदोई में अभी एक ब्लॉक प्रमुख जिताने के लिए अपहरण के केस दिखाए गए और जिसका अपहरण दिखाया वो एफिडेविट दे रहा है कि हमारा अपहरण नहीं हुआ। अभी जौनपुर में क्या हुआ? जौनपुर में सवाल से आप भाग रहे हैं या फिर जवाब आपके पास नहीं है? कर रहे हैं ये लोग राजपाल जी, सवाल तो जवाब के पास नहीं है, फिर सवाल से भाग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, भाग नहीं रहे आनंद जी। पुलिस पे जितना काम हमारी सरकार ने किया है और जितनी भर्तियां की हैं और जो भर्ती हुए अभी बहुत से लोग भर्ती हो गए, उनका रिजल्ट नहीं निकाल पाए, 8 महीने हो गए सर, आपके पास रिजल्ट बना रखा है, नहीं जवाब निकाल कम, सर, और सरकार के लिए सवाल ज्यादा है, अपनी सरकार के लिए आपको लेकर आपके पास जवाब नजर नहीं आ रहा है। तो चंद्र हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार है, सर व्यवस्था को सुधारने की उम्मीद क्या दिखती है? क्या जिस प्रतिबद्धता के साथ डॉक्टर चंद्रमोहन दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, क्या उम्मीद करें कि बेहतर दिन आएंगे आने वाले कुछ वक्त में? देखिए हमें तो जिस तरह से व्यवस्था चल रही है जी, उस तरह से हमको नहीं लगता है कि इस देश में बुलेट ट्रेन भी टाइम पर पहुंच पाएगी अपने गंतव्य पर। उसका एक बहुत सीधा सा कारण है जी, पिछले एक दशक से ऊपर से
आरडीएसओ आईआईटी सबके साथ मिलकर एक ऐसे उपकरण की तलाश हो रही है जिसकी वजह से गाड़ियां घने कोहरे में भी समय पर पहुंच सकें, उनको चलने में कोई परेशानी ना हो। आज तक वो उपकरण नहीं सफल हुआ है, तो अगर अपने यहां नहीं सफल हो पाया है कहीं बाहर से मंगवा लिया जाए या मेड इन इंडिया के तहत किसी विदेशी कंपनी के साथ यहां उसको बनाना शुरू कर दिया जाए। जब तक वो नहीं होगा कि कोहरे में गाड़ियां समय अपनी रफ्तार से चल सकें, तब तक आप ये समझ लीजिए कि ऐसे मौसम में सर्दियों में विशेषकर या बारिश में गाड़ी कभी भी समय पर नहीं पहुंचेगी। 12, 14, 24, 28 घंटे जितना भी आप इमेजिन कर सकती है वो कर सकते हैं, कैंसिल भी हो जाती है जी, कैंसिल भी हो जाती है। जैसे अभी राणा साहब ने बताया कि आप एसएमएस कर लीजिए, 139 पर कॉल कर लीजिए, तो हम आपको बताएं कि नर लाइव ट्रेन ट्रैकिंग का जो ऐप है वो ना आईआरसीटीसी का कोई ट्रेन लोकेशन बनाने वाला ऐप बताने वाला ऐप कोई काम नहीं करता है कि आपको सही सूचना दे सके। आईआरसीटीसी तो आपको ज्यादातर जवाब ही नहीं देगा जी। अब उसके बाद आती है बात आरपीएफ और उसकी जीआरपी की जी। तो जैसा कि पाठक जी ने कहा ये एक एक्ट के तहत बना था, 1861 का एक्ट है, तो आपको काफी बड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा विलय के लिए। दूसरी चीज ये है कि यूपी पुलिस के ही लोग अभी जीआरपी में हैं, वही फिर पूरी तरह से उसमें जाने लगेंगे। अभी तो ये है कि एक अलग से जीआरपी का कोटा है, लोग भेजे जाते हैं डेप्यूटेशन पर, फिर वो नहीं होगा, फिर यूपी पुलिस के आदमी जब चाहेंगे वहां पोस्टिंग लेंगे। लेकिन रेलवेज को मैन करना या रेलवेज की पुलिसिंग उतना आसान नहीं है जितना सिविल जी। आपको कितने हजार किलोमीटर के ट्रैक देखने हैं, आपको कितने स्टेशन हैं आपको जिसपे आपको सुरक्षा देनी है, स्टेशन के बाहर जो परिसर है उसमें आपको सुरक्षा देनी है जी। सर अब अतुल जी सुरक्षा के बारे में बात करेंगे, अजय शुक्ला हमारे साथ हैं। इस उपकरण की आपने बात की थी कि कोहरे का प्रकोप ताकि कम हो सके, ट्रेन उस रफ्तार से चल सके। अजय शुक्ला, क्या दिक्कत क्या है उसको उपकरण को अगर हम बाहर से इम्पोर्ट कर लेते हैं, क्या ऐसी टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो हम इम्पोर्ट क्यों नहीं कर सकते? नहीं, टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसका कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखा जाना चाहिए। और ये भी हम लोग को ध्यान देना है कि इस तरह की टेक्नोलॉजी जो यूरोप में यूज होती है, तो यूरोप की रेलवेज का जो टोटल एक्सपेंस है वो बहुत छोटा है। इंडिया इज अ वेरी वेरी बिग कंट्री, यहाँ का जो टोटल नेटवर्क है इट इज ह्यूज। लेकिन सर उतने ही यात्री भी तो है ना, हमें देखनी होती है। हाँ, यात्री हैं तो ये कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखनी है। अब हम लोगों को जो मैं कह रहा था शुरू में कि प्राथमिकता, अगर हमारी प्राथमिकता है एक बुलेट ट्रेन चलाने की, तो एक बुलेट ट्रेन चलेगी और बाकी यात्री जो है वो कोहरे में लेट होते रहेंगे। तो सारी चीज ऐसा कोई चीज नहीं है, टेक्नोलॉजी के रहते अगर आदमी चांद पे और मार्स तक रॉकेट जा सकता है, तो ट्रेन जम्मू तवी तक टाइम पे क्यों नहीं जा सकती है? कोई कारण नहीं है कि ना जा सके, कारण सिर्फ ये है कि हमारी प्राथमिकता वो गलत होती है। ठीक है, हर साल सर कोहरे के चलते जितना नुकसान होता है रेलवे को, अगर उस नुकसान को मापा जाए सर, तब तो कॉस्ट इफेक्टिव निकलेंगे ना वो उपकरण? हाँ बिल्कुल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। लेकिन मैं फिर से जीआरपी वाले विषय पे पुनः जाना चाहूंगा जी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, ये हमारी यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित है। मैं अवगत नहीं हूं कि ये प्रस्ताव किस स्थिति में है, लेकिन मेरे ख्याल से जीआरपी का पूर्णतः विलय सिविल पुलिस से होना चाहिए।
कैडर सेम है, वही अधिकारी वही कर्मचारी, कभी जीआरपी में रहते हैं कभी सिविल पुलिस में रहते हैं, लेकिन एक जीआरपी का एक अलग से वो प्रशासन बनाकर रेल के अधिकारियों को भी और जो हमारे यात्री हैं उनको बहुत परेशानी होती है। मैं अपना एक्सपीरियंस बोथ एज डीआरएम जीएम सब बता सकता हूं जी, कि समस्या होती है और समझ में नहीं आता है कि ज्यूरिसडिक्शन किसका है। और जैसा कि हमारे जो है ये पाठक जी ने बताया, जीआरपी एक बहुत ही निग्लेक्टेड सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, उनके पास स्टाफ नहीं है, उनके पास गाड़ी नहीं है, उनके पास इक्विपमेंट्स नहीं है। और दूसरी समस्या है आरपीएफ और जीआरपी के बीच में एक हमेशा द्वंद्व चलता रहता है। तो जब तक यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक यूनिफाइड कमांड नहीं होगी, और वो स्टेट सिविल पुलिस ही हो सकती है कि जो डिस्ट्रिक्ट का जो इंचार्ज है एसपी या एसएसपी, उसकी कंप्लीट ओनरशिप होनी चाहिए उसकी डिस्ट्रिक्ट के लिए। जी ठीक है, जब तक वो नहीं होगी तब तक जो है सुरक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो पाएगा। जी ठीक है, श्रीधर पाठक जी मैं जानना चाहूंगा आपसे कि सर अक्सर जब रेलवे में हम लोग सुधारों की बात करते हैं तो कई दफा पैसों का जो कमी भी फंड की कमी भी सामने आती है, कोई दुर्घटना होती है तो मुआवजे की घोषणा कर दी जाती है, ये दोनों जो उत्तर है सर एक प्रवृत्ति की तरह बन चुके हैं, तो इनसे बाहर कैसे आया जा सकता है? आनंद जी, रेलवे के पास पैसे की कोई कमी नहीं है जी। एक आदमी पान की दुकान रखता है, चार साल के बाद उसकी एक दुकान और आ जाती है। कोई आदमी जीप चलाता है सड़क पर, चार साल बाद दूसरी जीप आ जाती है। तो रेलवे में जहां पर करीब करीब 2 करोड़ लोग प्रतिदिन टिकट ले रहे हैं और ट्रेनों से यात्रा कर रहे हैं, वहां पर रेलवे को घाटा कैसे हो सकता है? तो कहीं ना कहीं नहर बनी हुई है, हैदर कैनाल रेलवे के भीतर है, वो चाहे रेलवे बोर्ड में हो और चाहे रेलवे के कुली के पास हो, अथवा ये कहिए कि हमारे भारतीय अधिकारी जिसमें कि कम से कम यूपीएससी के सेलेक्टेड कम से कम 13-14 सर्विस के लोग रहते हैं, वे ऑफिसर्स इसे संभाल नहीं पा रहे हैं। सही बात यह है कि रेलवे के ऑफिसर्स ईस्ट इंडिया कंपनी की मानसिकता से बाहर नहीं आए हैं, अभी वो लोकतांत्रिक भारत को उन्होंने ठीक से नहीं समझा है। डीआरएम साहबान 5 एकड़ के मकान में उनको 10 तो नौकर चाहिए, नहीं तो अकेले सोएंगे तो वैसे ही रात को सपना आएगा, दिन में सपना आ जाएगा। ये जो रेलवे है अभी तक तो लगातार यही नहीं तय कर पाई कि ये कितने डिवीजन बनाएगी, अभी और डिवीजन बनने हैं। तो ये जो कुछ भी कर रहे हैं इन्हें भाई खुद भी तो सोचना चाहिए कि ये कर क्या रहे हैं, घाटा इन्हें हो क्यों रहा है। सर क्या जितने भी चीजें की जाती हैं रिफॉर्म्स किए जाते हैं उनको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है? श्रीधर जी हाँ बिल्कुल, उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, और प्रायोरिटाइज न करें तो कम से कम उतना करें जितना पहले इन लोगों ने तय कर लिया है। मेरा कहना है कि केवल इतना करें कि एक डब्बे में अगर 72 लोगों के बैठने की जगह है तो उसमें 72 लोग बैठें, 250 लोग न बैठें। हाँ ठीक है, लेकिन 250 लोग बैठ रहे हैं जी, और टिकट लेकर के भी बैठे, इसके बाद भी घाटा है जी। ठीक है डॉक्टर चंद्र मोहन, तो या तो हिसाब किताब जोड़ने में कहीं गड़बड़ी हो गई। डॉक्टर चंद्र मोहन फिर जब जो श्रीधर पाठक जी कह रहे हैं उसके हिसाब से तो रेलवे के को घाटा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी रेलवे में सुधार की बात की जाती है तो पैसे कमी का हवाला दिया जाता है सर, तो इस चीज को हम बैलेंस व्यू में कैसे देख सकते हैं? नहीं देखिए, मैंने आपसे आग्रह किया था कि ये बहुत विस्तृत विषय है जी, और इसको अब जैसे ये आर्थिक जो विषय है जिसकी अब चर्चा आई घाटे की और घाटे से मुनाफे की जो चर्चा है जी, इसको आर्थिक विषय के जानकार निकाल के चार्जशीट सबमिट कर सकते हैं। ये इतना आसान विषय नहीं है, पान की दुकान और रेल की आपस में तुलना करना बेमानी है। बहुत सारी जगह ट्रेनें चलती हैं, वहां पर यात्रियों की संख्या बहुत, यहाँ हमारे साथ बैठे हुए हैं जहाँ ट्रेन में यात्रियों की संख्या बहुत नगण्य रहती है लेकिन ट्रेन जाती है, जो ये उसी प्रकार से है जैसे पहाड़ के क्षेत्र में डाक विभाग है तो दो दो चिट्ठी पहुंचाने के लिए लोग जाते हैं। तो ये अब जैसे आज भी जैसे बीएसएनएल का है तो बीएसएनएल का दायरा और बाकी प्राइवेट कंपनियों का दायरा, तो प्राइवेट कंपनियां कहां पर उपलब्ध हैं और बीएसएनएल कहां पर उपलब्ध है, तो बहुत सुदूर क्षेत्र ऐसे हैं, भारत विस्तृत है,
भारत भारत कोई छोटा नहीं है, कोई एक स्टेशन पर दिखने वाली भीड़, दस स्टेशन पर दिखने वाली भीड़, पूरे देश में भीड़ वो नहीं है, पूरे देश में वो स्थितियां नहीं है, परिस्थितियां वो नहीं है। भारत की जो स्थितियां हैं, भारत का जो ढांचा है, उसमें भारत की सरकार को या किसी को भी केवल सवाल खड़ा करना समाधान नहीं है, समाधान की एक प्रक्रिया है। आज भारत में जहां आज हम, मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूं, आप यहां हम लोग लखनऊ में बैठे हैं, मैं लगातार ट्रेन से यात्रा करता हूं लखनऊ में, जो एग्जिट है, एग्जिट से लोग आपको एंटर करते दिखेंगे और एंटर से एग्जिट करते दिखेंगे, यह सामान्य, जहां जहां मेटल डिटेक्टर लगे हुए हैं, लोग हैं, अब रिक्शा वाला अंदर तक पहुंचा हुआ होता है, तो यहां लखनऊ में जाके आप देखो क्या स्थिति है। तो चल, लोगों की सामान्य सोच है, आप उन्हें रोक नहीं सकते, सेंस की भी कमी है और व्यवस्था की भी कमी है, बिल्कुल बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण कमी, लेकिन व्यवस्था की भी है, मैं स्वीकार करना होगा। व्यवस्था सुधारने की जो प्रक्रिया है वो अनवरत चल रही है, लगातार चल रही है, उसमें लगातार सुधार हो रहा है, स्टेशनों की दशा सुधरी है, सुविधाएं बढ़ी है, ये ऐसा नहीं है कि अलादीन का चिराग कोई घिसके कर दे। मैं पूछना चाहता हूँ कि किसने क्या किया, भैया रखो सामने कि भाई ये रखा है, और सुझाव रखो कि भाई ये सुझाव है, इससे ये समाधान होगा। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक ये कहूंगा, मेरा किसी पर, किसी के सुझाव पर कोई वो नहीं है, कि इसको रेल की, रेल सेवा है, रेल कोई बिजनेस नहीं है, हमने रेल बिजनेस नहीं कहा है, रेल सेवा कहा है, और रेल सेवा कहा है। और ये ऐसा नहीं है कि आज एनडीए गवर्नमेंट आ गई इसलिए रेल घाटे में चली गई, यूपीए गवर्नमेंट थी तो रेल फायदे में थी, ये इतना इतना छोटा सोचना नहीं है, ये एक विस्तृत विषय है और एक व्यापक विषय है, क्योंकि ये कोई छोटा नहीं है, इसका इसका जो विश्व में, मुझे लगता है विश्व में लगभग सबसे बड़ा ढांचा, सबसे बड़ा ढांचा विश्व में अगर कहीं है तो भारत में रेल का। सर एक सवाल उठता है, मैं चाहूंगा कितने, और आज भी एक सवाल उठता है सर, कि रेल अगर एक सेवा है तो लगातार इस सेवा का जो किराया है वो महंगा क्यों होता जा रहा है। दीपक सिंह जवाब देंगे इस चीज का। नहीं नहीं, लगातार सर मैं लौटूंगा आपके पास। सर मैं बड़ा वाजिब सवाल किया है, मैं अभी बैठ के इनसे संकल्प पत्र की बात कर रहा था, आनंद जी हमारे साथी चंद्रमोहन जी से, जब भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया था तो उन्होंने रेलवे में सुधार की बात बहुत सारी की थी, सुरक्षा की बात की थी, लेकिन अगर देखें सुरक्षा और सुधार के नाम पर सिर्फ भाड़े बढ़े हैं, सुरक्षा और सुधार के नाम पर प्लेटफॉर्म टिकट 10 गुना महंगा हुआ है और यात्रा भी महंगी हुई है। डायनेमिक फेयर का भी नया कांसेप्ट आया है सर, कुछ घटा है जी, कुछ कुछ घटा भी है, तो यात्रियों की सुविधा में सुरक्षाएं घटी हैं, सुविधाएं घटी हैं, और राजधानी जैसी ट्रेन उत्तर प्रदेश में लूटी है, ये उत्तर प्रदेश में सरकार का औरा है। देखिए अनंत जी, बातें करना दूसरी बात है, मैंने पहले भी कहा सुधार के नाम पर डिस्को डांस करना दूसरी बात है, ये सरकार अज्ञानी है, ये सरकार अधिकारी चलाते हैं, और अभी आपने पीछे देखा होगा। लेकिन दीपक जी ये भी तो मानेंगे ना सर कि पिछले 3.5 साल में व्यवस्थाएं खराब नहीं हुई हैं, व्यवस्थाएं कालांतर में खराब हुई हैं, तो अगर तब सुधरी होती तो अब इतने बुरा हाल हमें ना देखना पड़ता। क्या बात करते हैं, एक्सीडेंट के आंकड़े बढ़े हैं, खराब खानों के आंकड़े बढ़े हैं, अगर इन्होंने किराए बढ़ाए हैं उसके बाद सुधार नहीं हुए, इसके आंकड़े बढ़े हैं, बहुत सारे सुधार की प्रक्रियाएं थी जो थमसी गई हैं, बड़े बड़े स्टेशन जो यूपीए सरकार ने बनकर खड़े हुए थे, मोदी सरकार ने उसे खाली उद्घाटन मात्र किए हैं। अभी हमारे साथ चंद्रमोहन जी कह रहे थे कहीं पे ऐसा घटना घटी हो, कोई कब्जा हुआ हो, कोई ऐसे घटनाएं हुई है जहां कोई आंदोलन हुआ हो, अरे भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद धरने बैठे थे, कब्जे के विरोध में बैठे थे, ट्रेन की बात करते हैं, बैठे थे सर, ट्रेन की सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, रेलवे की सुरक्षा की हम लोग बात करते हैं, वक्त बेहद कम बचा है मेरे पास। सर दीपक जी वक्त बेहद कम बचा है, छोटा सा मैं उत्तर जानना चाहूंगा अतुल चंद्रा जी से। अतुल चंद्रा जी ये बात ठीक है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं ये बताना चाहूंगा ट्रेंड कुछ नहीं बढ़ा है, ये जो कमियां हैं इसका ट्रेडिशन बहुत पुराना है और इसके लिए सभी लोग जिम्मेदार हैं। अजय शुक्ला जी बता दूंगा आपके पास सर, जो आंकड़े कहते हैं, जो मिस्ड कॉल के आंकड़े आते थे सुधार के नाम पर, वो बड़े ही नहीं बढ़े हैं। पहले 4 लाख कंप्लेन आती थी, उसके सुधार के जो 12% था वो 7% घट के आ गया सुधार, वो उसके लिए उसका कारण दूसरा है। दीपक सिंह, अजय शुक्ला जी, आप दोनों के पास मैं लौटूंगा सर। अतुल चंद्रा गलत तक मत दीजिए, जो आंकड़े सामने हैं वो तक दीजिए। अतुल चंद्रा जी मैं जानना चाहूंगा सर आपसे कि जब बरेली का एक स्टेशन है बीरपुर रेलवे स्टेशन सर, वहां पर पिछले 2 दिन से एक मालगाड़ी खड़ी हुई है, और ये पहला वाकया नहीं हुआ, 3-4 दफा पहला भी हो चुका है वहां पर चीजें, कि मोबाइल ट्राई कर रहे हैं रेलवे अधिकारी
जो को पायलट है उसका, जो पायलट है उसका, लेकिन दोनों में से किसी का मोबाइल भी नहीं मिल रहा है, उसके चलते बाकी ट्रेन भी इफेक्ट हुई हैं। तो कम से कम इतनी व्यवस्था तो सुदृढ़ सर की ही जा सकती है कि जो ट्रेन चल रही है जहां पटरी भी सही है वहां कम से कम चलती रहे चीजें। तो हो ही सकता है। और ये सुविधा जो है इसको अगर इसमें मान लीजिए नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो टेलीकॉम कंपनीज के साथ बात करके कर ले कि भाई वहां पर टावर्स हो जाएं तो कम्युनिकेशन में इस तरह से डिसरप्शन ना हो। एक बात जो हम कहेंगे सुविधाओं को लेकर, रेलवेज ने हवाई जहाज की तरह किराया तय करने का एक फैसला लिया जी, कि अगर डिमांड ज्यादा है तो उन्होंने एकदम से दाम बढ़ा दिया। लखनऊ से दिल्ली का किराया 2,000 रुपए 3,000 रुपए आपको देना पड़ेगा, अगर आपको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो आप एक्सेस फेयर देकर जा सकते हैं जी। लेकिन क्या सुविधा उस हिसाब से है? अगर ट्रेन लेट होती है तो हमको कहीं और ठहराने का या सुरक्षित जगह ठहराने का इंतजाम हो, मान लीजिए बीच जंगल में खड़ी हो जाए ट्रेन, ऐसी मूलभूत सुविधाओं की जरूरत है। और जितना लोग पैसा दे रहे हैं रेलवे को उतना ही सुविधा एक्सपेक्ट करते भी, क्योंकि एक बड़ी जनसंख्या है देश की जो कि ट्रेन का सहारा लेती है, उसे ट्रैवल करती है। बहुत शुक्रिया सर चर्चा को विराम को देना होगा, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, चर्चा को बेहतर बनाने के लिए। और लोकतंत्र फिलहाल सफेद।